हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स स्कूटर के सेगमेंट का। सुजुकी एवेनेस 125, ये भी एक स्पोर्ट्स स्कूटर मिलता है आपको, और टीवीएस का एंटॉर्क। तो दोनों ही स्कूटर स्पोर्ट्स सेगमेंट के स्कूटर हैं। दोनों के प्राइस के हिसाब से फीचर्स में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है, किस में आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, किस में प्राइस आपको कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो ये वीडियो कंपैरिजन रिव्यू होने वाला है दोनों का ही। डिटेल में हम बात करेंगे फीचर्स और प्राइस की। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों के फ्रंट लुक से और आपको दिखाते हैं एक एक करके फीचर्स और प्राइस। बात करें अगर हम टीवीएस एंटॉर्क की, तो टीवीएस एंटॉर्क का बिल्कुल फ्रंट का लुक आपको एवेनस जैसा ही मिलता है। दोनों में ही आपको जो इंडिकेटर हैं वो आपको हेडलाइट के पास ही मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंडिकेटर मिलते हैं सुजुकी की, यहाँ पे ब्रांडिंग आपको ग्लॉसी लुक में देखने को मिल जाएगी, और ऑरेंज कलर आप देख सकते हैं, डुअल टोन में आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। 5 कलर ऑप्शन के साथ में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। टॉप एंड वेरियंट है ये इस टाइम, और 3 वेरियंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फ्रंट लुक अगर मैं दिखा दूँ तो ये फुली लोडेड आपको गाड़ी मिलती है। फुली आप देख रहे हैं एसेसरीज से लोडेड अभी ये खड़ी है। मेरे टीवीएस एंटॉर्क के अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स में आपको मिलती है ये, और काफ़ी सारे कलर्स के साथ में मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट लुक की, तो टीवीएस आपको 3D लुक में देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट का जो आपको बॉडी मिलता है वो ग्लॉसी लुक में आपको देखने को बॉडी इसकी मिलती है। आगे आ जाता है नंबर प्लेट का ऑप्शन, नीचे आ जाते हैं हम तो यहाँ पे आपको हेडलाइट LED मिलती है और DRL के साथ में आपको मिलती है। साइड में हमारी DRLs आ जाती हैं। और अगर हम बात करें इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट कुछ ऐसी आपको दिखाई देती है। तो फ्रंट अगर मैं यहाँ फेंडर की बात करूँ तो फ्रंट फेंडर आपको यहाँ पे फाइबर का देखने को मिलता है, और फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो इसकी आप डिस्क फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर के साथ में आपको गाड़ी मिलती है। MRF के आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाते हैं। तो टेलीस्कोपिक फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलते हैं, और रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो स्विंग आर्म सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। और रियर टायर साइज की अगर मैं बात, 90x110 इंच का आपको रियर में टायर देखने को मिलता है। और फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूं तो इसका 90x90x12 का आपको फ्रंट का टायर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करें फेंडर की, तो फेंडर इसमें काफ़ी हमें हैवी फेंडर मिलता है। फाइबर में हमें फेंडर देखने को मिलता है, डुअल टोन में हमें फेंडर इसका देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की, और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फ्रंट में हमें सस्पेंशन मिलते हैं। बात करें अगर हम इसके फ्रंट डिस्क की, तो 220mm का हमें डिस्क देखने को मिल जाता है। और बात करें अगर हम इसके फ्रंट टायर की, तो 100x80x12 इंच का हमें फ्रंट में इसका टायर देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट का टायर काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं हम इसके रियर टायर साइज़ की, रियर टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 110x80x12 इंच का हमें रेयर का टायर देखने को मिलता है, जो काफ़ी चौड़ा है एवेनस के मुकाबले। तो एवेनस से आपको काफ़ी बड़े टायर देखने को मिल जाते हैं टीवीएस एंटॉर्क 125 में। बात करें हम अगर इसके सस्पेंशन की, तो ट्रेगर लिंक गेंस हाइड्रोलिक डैम्पर हमें सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन माने जाते हैं ये। और साइड में मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट कनेक्ट एडिशन आप देखने को मिल जाएगा, जो आप अपना मोबाइल से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ आ जाते हैं हम साइड लुक की तरफ, तो साइड लुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और राइट कनेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेंशन। साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो सुजुकी एवेनस आपको 3D लुक में देखने को मिलता है। ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी फुट के लिए आपको अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ एक ग्लव बॉक्स आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। एक ग्लव बॉक्स यहाँ ये आ जाता है, और ये आ जाती है इसकी की। एक कैरी हुक यहाँ हमें मिलता है, और एक यहाँ पे मिलता है, तो 2 कैरी हुक यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ऊपर और नीचे। सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर हमें जो मिलता है वो USB चार्ज मिल जाता है, तो चार्जिंग का पॉइंट भी यहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल जाएगा।
बात करें अगर हम टीवीएस सेंटोर की, तो यहाँ पे हमें सीट के नीचे जो मिलता है वो चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपना चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं आराम से, मोबाइल वगैरह यहाँ से एक पोर्ट मिलता है जो चार्ज हम लगा सकते हैं। बात करें हम इसके लीवर की, तो यहाँ में एडजस्टेबल लीवर देखने को मिल जाता है। अपनी फिंगर के हिसाब से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। आ जाते हैं हम इसकी लेग स्पेस की तरफ, तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ आपको। और बैठने के बाद काफ़ी अच्छा खासा हमें इसमें लेग स्पेस देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्पेस हमें देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे कोई भी ग्लव बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नैरो शेप में आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई देगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो काफ़ी स्पेस हमें मिलता है। आ जाते हैं इसके हुक की तरफ, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल हुक मिलता है जो सीट के नीचे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही हुक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल हुक कोई भी नहीं मिलता है आपको। ग्राफिक्स की बात करें और पैनल्स की बात करें, तो ट्रिपल टोन में यहाँ पे आपको पैनल्स और ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एंड ग्रे एंड येलो कलर के। और यहाँ ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स आपको कार्बन फिनिश में देखने को मिलते हैं। टीवीएस सेंटोर का आपको 3D लुक में रेस एडिशन देखने को मिलता है स्टिकर के साथ में, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आ जाते हैं हम इसके मीटर की तरफ, तो मीटर में काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। फुली डिजिटल मीटर इसमें मिलता है हमें, हजार्ड लाइट का भी आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ, नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। मोड मिलेंगे, इको मोड मिलेगा, पावर मोड आपको इसमें देखने को मिलेगा। आ जाते हैं हम बटन की तरफ, तो बटन आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, लो बीम हाई बीम मिलती है, इंडिकेटर आ जाते हैं, हॉर्न आ जाता है, यहाँ पे हमारा किल स्विच आ जाता है, आप देख सकते हैं। आ जाते हैं हम इसके इंजन की तरफ, तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, तो 124 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2 वॉल्व इंजन आपको देखने को मिलता है। पावर की अगर मैं बात करूँ, तो 8.7 PS की पावर मिलती है 6500 RPM पे। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ, तो 10 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिलता है 5500 RPM पे। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ब्रेक मिलेंगे, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है। जब आप फ्रंट का ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं, तो दोनों ब्रेक आपके एक साथ में काम करते बात करें हैं। अगर हम इसके बटन्स बात करें अगर हम इसके बटन्स की, तो यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम मिलेंगी, साइड बाय साइड इंडिकेटर मिलेंगे, हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको 125 SP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एंटॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन के नीचे। यहाँ आ जाता है हमारा किल ऑन ऑफ का, यहाँ हजार्ड लाइट का आपको बटन देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा बटन है ये आपका। और आ जाते हैं हम इसके नीचे, तो सेल्फ का ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके मीटर की, तो मीटर फुली डिजिटल TFT स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, लो फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर इंडिकेटर मिलता है, शटर लॉक मिलता है, क्लॉक मिलती है, कॉल SMS वगैरह सब कुछ हम इससे आपको काफ़ी सारे फीचर से लोडेड ये आपको मीटर देखने को मिलता है, तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। बात करें अगर हम इसके इंजन की, तो 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड आपको एयर कूलर इंजन मिलता है। बात करें पावर की, तो 9.38 PS की पावर मिलती है। टॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो 10.5 Nm का मैं टॉर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे, तो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे दोनों ही तरफ, TVS एंटॉर्क 125 आपको दोनों ही तरफ 3D लुक में देखने को मिलेगा। आ जाते हैं हम इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर प्रोफाइल और टेल लाइट्स आपको LED ही देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसी आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, नीचे हमें इंडिकेटर देखने को मिलेंगे बल्ब के साथ में, कुछ ऐसी प्रोफाइल आ जाती है, टायर काफ़ी ब्रॉड हमें देखने को मिल जाता है। ये आ जाती है इसकी टेल लाइट्स, जो रियर प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ आपको ऐसी मिलती है लाइट, तो ये आ जाती है इसकी टेल लाइट, टेल लाइट आप देख सकते हैं इसकी, जो हमें LED मिलती है बल्ब के साथ में, इंडिकेटर आपको मिलते हैं, एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा आप देखेंगे स्पोर्टी आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। हम इसके साइड स्टैंड की तरफ, तो साइड स्टैंड कट ऑफ का आपको इसमें सिस्टम देखने को मिलता है, सेंटर एंड साइड स्टैंड मिलता है, किक मिलती है एंड सेल्फ मिलता है, ये आ जाता है इसका किक, तो किक ये आ गया आपका और सेल्फ आ जाता है, दोनों ही आपको इसमें चीज़ें मिलती हैं। अंडर स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, तो 21.8 लीटर की आप देख सकते हैं अंडर स्टोरेज आपको बूट स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। ये हमारा फ्यूल का आ जाता है, तो आप यहां से ही फ्यूल डलवा सकते हैं इसमें, आपको सीट ओपन नहीं करनी पड़ेगी। सुजुकी की आपको सीट पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ, तो 5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसके कर्व वेट की अगर मैं बात करूं, तो 103 kg आपको इसका कर्व वेट मिलता है, तो 103 kg आपको इसका वेट देखने को मिलता है। बात करें अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 155 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कर्व वेट की अगर बात करूं, तो 110 kg हमें वेट मिलता है, जो एवेनस से ज़्यादा है। बात करें अगर हम इसके
फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक जो हमें मिलता है वो 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है इसकी। तो आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक, यहाँ से आप अपना ऑयल डलवा सकते हैं। जो पीछे हमें सीट, नीचे से सीट नहीं खोलनी पड़ेगी। ग्रैब हैंडल हमें कुछ ऐसे मिलते हैं ब्लैक कलर में, और यहाँ आ जाता है हमारा पिलियन के लिए फुटरेस्ट, जो इजीली यहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं। पिलियन काफ़ी हैवी फुटरेस्ट मिलता है। थ्री वॉल्व हमें यहाँ पे मिलते हैं इंजन में, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है थ्री वॉल्व। बात करें हम इसकी अंडर स्टोरेज की, तो अंडर स्टोरेज हमें ज़्यादा मिलती है एविनस से। 22 लीटर की इसमें अंडर स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसकी अंडर स्टोरेज, एक मिनिमम छोटा सा हमारा मीडियम साइज़ का हेलमेट आराम से आ जाएगा। तो दोनों ही स्पोर्ट्स सेगमेंट कैटेगरी के स्कूटर हैं, दोनों के ही प्राइस बिल्कुल आपको फ़ीचर्स अलग अलग मिलते हैं। तो आप अगर दोनों में से कोई लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है, इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं हम इनके प्राइस की, तो अगर हम एविनस के प्राइस की बात करें, एक शोरूम जो हमें पड़ता है वो 89,800 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस पड़ता है। तो थोड़ा सा एविनस का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको टी वी एस एंटोर के प्राइस के कंपेरिजन में कम पड़ता है। बात करें अगर हम टी वी एस एंटोर के प्राइस की एक शोरूम की, और बात करें अगर हम टी वी एस एंटोर के एक शोरूम प्राइस की, तो 93,041 रुपये इसका एक शोरूम पड़ता है बरेली में। तो दोनों ही स्कूटर के प्राइस में 4,000 से 5,000 रुपये के एक शोरूम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और फीचर्स में भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अब दोनों के स्कूटर्स को, किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक साउंड चाहिए, ग्रिप चाहिए, रोड असिस्ट चाहिए आपको, तो आप एंटॉर्क पे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर आपको ज़्यादा मिलती है। और आप टायर देख रहे हैं, टायर भी काफ़ी हैवी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय।